नंबर ऑफ मिलिटेंट्स ये जो होता है ये असेसमेंट होती है, किसी ने फिजिकली देखे नहीं होते हैं। बहुत सी एजेंसियां हैं, वो इनपुट आती है और इनपुट का जो वेरिएशन चलता रहता है, और इसमें कोई इतनी बड़ी भी इनपुट नहीं है कि बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं। जिस तरह से अगर कंपेयर किया जाए 2021-2022 तो माइनर वेरिएशन है, लेकिन कोई ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं। दूसरा ये ड्रोन का खतरा है, ये ड्रोन का जो मैक्सिमम एक्टिविटी हो रहा है आईबी सेक्टर में हो रहा है, एलओसी सेक्टर में ड्रोन का ज्यादा खतरा नहीं है। तो आईबी सेक्टर में हमारी जो तैनात बीएसएफ है उसका जट के मुकाबला कर रहे हैं, और एलओसी सेक्टर जो कि हमारे नीचे है उसके अंदर ड्रोन का आज तक कोई ज्यादा ऐसा एक्शन नहीं हुआ कि आम ड्रॉपिंग उसके अंदर हुई हो एलओसी सेक्टर। सर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें जहां सीज फायर के बाद हालात काफी बेहतर नजर आए, मगर दूसरी तरफ चाइना की तरफ से कुछ बयान सामने आ रहे हैं, इस वक्त बड़ा चैलेंज चाइना है या पाकिस्तान है? देखिए हम तो इधर 16 कोर कमांडर हैं और हमारे लिए तो चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान ही है, क्योंकि चाइना बॉर्डर हमारे साथ शेयर नहीं करता है। वो दूसरी जो बातें हैं वो देश के लेवल की हैं, मैं उसके ऊपर कमेंट करना नहीं राज्य समझता। आवाम के सभी सेगमेंट्स ने बहुत बढ़ चढ़ के इस रजौरी डे सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया, जिससे कि बहुत खुशी मिलती है कि आज के दिन आवाम सब जुड़ गया है और आपस में मिलजुल के अमन शांति और तरक्की के रास्ते के चलने की उनकी कोशिश है, और हम सब मिलके इस कोशिश को और भी आगे लेके जाएंगे ताकि रजौरी जो कि बहुत ही एक हसीन वादी का एरिया है इसको जीवन के अंदर और देश के अंदर एक अच्छा स्पॉट बन जाए। और हर साल ये जो फेस्टिवल है रजौरी फेस्टिवल देश के कैलेंडर के अंदर आने की हम पूरी कोशिश करें। सर रिसेंटली इट हैज बीन सीन दैट द चेंज ऑफ गार्ड हैज टेकन प्लेस इन पाकिस्तान विद न्यू प्राइम मिनिस्टर, हाउ आर्मी इज असेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल सिक्योरिटी? पाकिस्तान इंटरनल सिचुएशन एंड लाइन ऑफ कंट्रोल आर टू डिफरेंट थिंग्स। आई वॉन्ट लाइक टू कमेंट एनीथिंग इनसाइड पाकिस्तान बिकॉज दैट द इंटरनल मैटर। लाइन ऑफ कंट्रोल इज अ ड्यूटी टू गार्ड बाय आर्मी, and army is fully in control of ensuring that no infiltration takes place from the line of control and we do not get impacted by internal situation in pakistan. sir kuch roz pehle udhampur mein ek incident hua grenade ka, uske baad rajouri ke kodranka mein hua, kya aap maan sakte hain ki dobara se militancy jo hai wo revive ho rahi hai rajouri district ke andar khas kar maarte hain? dekhiye jab bhi kahin shanti development aur peace badhta hai to jo dushman hai wo kuch nahi hota hai, फिर वो कोशिश करता है कि उसको किस तरह से शांति को भंग किया जाए। इस तरह के स्पोरैडिक इंसिडेंट, किसी को भी ग्रेनेड दे देना, उसको फेंक देना, एक ये बिल्कुल ही बुजदिल वाला काम है, उसमें कोई बहुत हिम्मत की जरूरत नहीं है। तो ऐसे काम हमारा दुश्मन कर सकता है, लेकिन हम पूरे मिलकर अगर साथ से चलेंगे तो मेरे को विश्वास है कि दुश्मन हमारी जो एकजुट की मुठकी का ताकत है उसको तोड़ नहीं पाएगा और हम इसमें पूरा सक्सेस हो जाएंगे। और वो जो हमारे गुमराह नाजुक और जो दोस्त हैं जो गुमराह हो जाते हैं किसी कारण से, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और दुश्मन बिल्कुल इस कार्रवाई में फेल हो जाएंगे। सर अभी जो स्नोफॉल जो है नहीं हो रहा, तो स्नो मेल्ट भी हो रही है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो एलओसी के अक्रॉस में जो कैंप्स हैं वो एक्टिव हो सकते हैं? वो हो सकते हैं, उनकी कोशिश करी जाएगी बिकॉज पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में अमन शांति भंग कर दी जाए, तो वो एक्टिविटी करेगा, लेकिन हम उस चीज का जायजा रखते हैं और हमारी कार्रवाई पूरी तरतीब से चल रही है कि उसकी जो कोशिश है वो नाकाम रहे, कोशिश कर सकता है नाकाम हो जाएगा। सर रिसेंटली सम इंटेलिजेंस इनपुट्स हैव बीन रिसीव्ड दैट नंबर ऑफ मिलिटेंट्स ऑन लॉन्च पैड हैव इंक्रीज्ड, ऑन द अदर हैंड देयर आर रेगुलर इनपुट्स दैट ड्रोन ड्रॉपिंग ऑफ वेपन्स एंड स्मगलिंग ऑफ वेपन लाइक दैट हैज रिसेंटली बीन रिकवर्ड।